आप ये घर अगर स्कूल के पास ले लेंगे तो आपको जद्दोजहद रोज की नहीं करनी पड़ेगी, मैं यही कह रहा हूँ। और अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो अभी छोड़ दीजिएगा, आपके लिए नहीं। स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में नहीं रहे तो जाएगी नौकरी। शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक एक बार फिर शिक्षकों को चेतावनी देते नजर आए। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय से 15 किलोमीटर के अंदर कमरा लेने की नसीहत डाली है। शिक्षकों ने आप बीती सुनाई तो के पाठक ने कहा कि जब तक सरकार आप लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं करती तब तक आप लोग अपने स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में रूम ले लीजिए, 50 किलोमीटर से आना जाना संभव नहीं होगा और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए के पाठक ने क्या कुछ कहा। आप ये घर अगर स्कूल के पास ले लेंगे तो आपको जद्दोजहद रोज की नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ। और अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो अभी छोड़ दीजिएगा, आपके लिए नहीं। रहना है तो गाँव में रहना। कितने लोग है जो दूर दराज से आ रहे हैं वो बंद कर दीजिएगा, ठीक है। विद्यालय के मैक्सिमम 15 किलोमीटर, अभी नीचे ही कई लोगों ने बताया कि एक लड़की ने 3 किलोमीटर पे कमरा ले लिया। आप में से भी अब विद्यालय मिल गया आपको, बेस्ट है 2-3 किलोमीटर के अंदर कमरा ले लिया। आप में से कई लोग तो एक ही स्कूल में 2-3 गए होंगे, यहाँ बैठे भी होंगे, जब स्कूल एक साथ पढ़ा सकते हैं तो कम जीवन आप पढ़ाई में मन लगा सकेंगे, समझे। अभी से ही बातचीत करना शुरू कीजिए। तो जो भोजपुर गए हो तो ठीक है, अब आप शहर में जहाँ रह रहे होंगे वहां से गांव का विद्यालय है, अधिकांश आप लोग भोजपुर के रहने वाले हैं। yes, तो रोज आना जाना जो है, मान लो आप शहर में रह रहे हैं भोजपुर में आरा में, तो वहां से गांव रोज आना जाना नहीं, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, कर भी नहीं पाएंगे, टाइम भी फिर देर से आएंगे और जल्दी चले जाएंगे, फिर और देर से आएंगे और जल्दी छूट, ठीक है, फिर थोड़े दिनों बाद जाना ही बंद कर। के पाठक ने कहा कि दूर से आइएगा तो आप लोग समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 बजे की जगह आप 10 बजे स्कूल पहुंचेंगे और धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। तो बक्सर पहुंचे के पाठक ने प्रशिक्षण ले रहे बीपीएससी के शिक्षकों से बातचीत की। के पाठक ने कई बातों को साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि सुविधाओं का रोना नहीं रोना है, स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, आपकी नियुक्ति हो चुकी है, अब आपको बच्चों को पढ़ाना है। अब जब आदेश के पाठक का हो तो मानना ही पड़ेगा। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पिछले कुछ समय से बिहार में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके फैसले से न केवल स्कूलों की हालत सुधरी है बल्कि गांव में टीचरों की कमी भी दूर हुई। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश ने जब से के पाठक को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है तब से इस विभाग में ऐसे कई काम हुए जिसका सकारात्मक असर दिख रहा है। के पाठक के आने से शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में काफी कुछ बदलाव हुआ है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।